हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मैं छोटी छोटी ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। किस स्वेटर की डिज़ाइन है? किसी भी छोटे बच्चे के स्वेटर में, जैकेट पे, कार्डिगन पे, कहीं भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी और आसान सी डिज़ाइन, और इसी डिज़ाइन को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो पूरे स्वेटर में भी बन के आ जाएगी। और यहाँ पर हमने दो डिज़ाइन के बीच में 3 फंदों का गैप लिया है, तो आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 10-10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और +3 कर दें तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। आप अपने हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए, और बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ हमने ब्लू कलर से बना लिया है। और अब यहाँ से हमारी row 1 स्टार्ट होती है, और इसमें सबसे पहले हमारा ब्लू कलर आएगा। 1, 2, 3 फंदे ब्लू के, 1 हम ब्लैक से करेंगे, और अब फिर ब्लू आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ब्लू, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के। अब देखिए, ये 3 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं इसे छोड़ देंगे, 1 ब्लैक से लेकर 3 ब्लू तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं। 1 हम ब्लैक से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 हमारे ब्लू से। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए, जब मैंने फिर इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट किया है तो शुरू में 3 फंदे ब्लू, फिर 5 ब्लू, फिर 3 ब्लू है, 5 ब्लू है, 3 ब्लू है, 5 ब्लू, और हर एक के बीच में एक एक फंदे हमारे ब्लैक कलर से हैं। अब हम बैक साइड पर आ जाएंगे, row 2। इसमें हमें सेम कलर करना है। इस ब्लू फंदों को हमें ब्लू कलर से बनाना है, और जो फंदे हमारे ब्लैक हैं इसे ब्लैक। बहुत ही आसान और सिंपल से हम मैं डिज़ाइन बता रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक आ गया है, तो ब्लैक को ब्लैक, फिर ये 3 ब्लू को ब्लू। जहाँ पे जो कलर जैसा है उसे हम वैसे ही बनाते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे। और ये देखिए, row 3, जिसमें 1, 2, 3 फंदे ब्लू को ब्लू करेंगे, और अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे वाइट के। अब हम 3 फंदे ब्लू और 7 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे। ये 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए हमें बनाना है। और ये देखिए, यहाँ पे 3 ब्लू 7 वाइट, 3 ब्लू 7 वाइट करते आएंगे तो लास्ट के 3 फंदे हमारे ब्लू कलर से। ये हमारी row 4 है, जिसमें 1, 2, 3 ब्लू को ब्लू कलर करेंगे, और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर आ जाएगा। 1, 2, 3 फंदे रेड के, बीच वाले फंदे को 1 हम वाइट करेंगे, 1, 2, 3 फंदे रेड, अब इस 3 ब्लू को हम ब्लू कलर से बनाएंगे, 1, 2 और 3। तो शुरू के 3 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, अब हम 3 रेड से लेकर 3 ब्लू तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं। ये 1, 2, 3 फंदे रेड, 1 वाइट, 1, 2, 3 फंदे रेड और 3 हमारे ब्लू कलर से।
तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। देखिए रो नंबर 5 में इस ब्लू को हम ब्लू ही करेंगे, तो ये 1, 2, 3 फंदे ब्लू, और अब हमारा रेड आएगा। वन 2 फंदे रेड के, 2 रेड के बाद अब हमारा वाइट आएगा। 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2 हम रेड से करेंगे, और फिर इस 3 ब्लू को ब्लू से। और देखिए अब हम 2 रेड से लेकर 3 ब्लू तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, 1, 2 फंदे रेड, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2 रेड, अब 1, 2, 3 हमारे ब्लू से। ये हमारी रो 6 है, जिसमें 1, 2, 3 ब्लू को ब्लू करेंगे, 1 हमारा रेड कलर आएगा, अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 हम रेड से करेंगे। फिर ये 3 ब्लू को हमें ब्लू कलर से ही बनाना है, 1, 2, 3, फिर यह हमारी डिज़ाइन बनेगी। 1 हम रेड से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के, 1 हमारा रेड, और 3 ब्लू को ब्लू कलर से ही बनाना है। तो देखिए इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए अब हम पूरी रो को बनाएंगे। और देखिए रो 6 तक हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन गई है। अब हम रो 7 पे हैं, और इसमें भी ब्लू फंदों को हमें ब्लू से करना है। 1, 2, 3 फंदे ब्लू के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे वाइट से। अब हम 3 ब्लू 7 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे वाइट, और फिर 3 फंदे ब्लू के। और देखिए यहाँ पे 3 ब्लू को हम ब्लू कर रहे हैं, और बीच के 7 फंदे हमारे वाइट कलर से रहे हैं। ये देखिए अब हम रो नंबर 8 पे हैं, और इसमें भी इस 3 ब्लू को ब्लू करेंगे। 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1 वाइट, 1, 2 ब्लू, 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू, 1 हम वाइट से करेंगे, और इस 3 ब्लू को ब्लू से, 1, 2, 3। अब शुरू के ये 3 फंदे छोड़ देंगे, 1 वाइट से लेकर इस 3 ब्लू तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, 1 वाइट, 1, 2 ब्लू, 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू, इस वाइट को 1 हम वाइट करेंगे, और 3 ब्लू को ब्लू कलर से। तो देखिए इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए रो 8 तक हमारी डिज़ाइन बन गई, और रो 9 में हमें सेम कलर ब्लू फंदों को ब्लू और वाइट को वाइट कलर से बनाना है। तो देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ, ये 3 फंदे ब्लू को हम ब्लू करेंगे, 1 वाइट को वाइट, 1, 2 हमारे ब्लू, फिर इस वाइट को वाइट करेंगे, 1, 2 ब्लू, 1 वाइट, और इस 3 ब्लू को ब्लू। जहाँ पे हमारा जो कलर है वैसे ही हम पूरी रो में बनाएंगे।
ये हमारी रो नंबर 10, इसमें भी इस 3 ब्लू को ब्लू से करेंगे। 1, 2, 3। अब 1, 2 फंदे वाइट, 1 ब्लू, 1 वाइट, 1 ब्लू, 1, 2 वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के। अब इस 3 फंदे एक्स्ट्रा को छोड़ देंगे। 2 वाइट से लेकर 3 ब्लू तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट कर दिखाते हैं। ये 1, 2 फंदे वाइट, 1 ब्लू, 1 वाइट, 1 ब्लू, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। और देखिए रो नंबर 11, जिसमें 1, 2, 3, 4 फंदे स्टार्टिंग में हमारे ब्लू से रहेंगे और अब वाइट आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, अब ब्लू कलर से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ब्लू से। तो स्टार्टिंग में 4 फंदे हमारे ब्लू के रहेंगे। अब हम 5 वाइट 5 ब्लू पूरी रो में रिपीट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के और 5 ब्लू, 1, 2, 3, 4 और 5। और देखिए जब इन्हीं फंदों को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में 5 फंदे वाइट के बाद सिर्फ 4 फंदे ही हमारे ब्लू कलर से रहेंगे। ये हमारी रो 12 है, इसमें सारे फंदे अब हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये पूरी रो हमारी ब्लू से ही बनेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने रो 12 के बाद रो 13 और 14 दो सिलाइयाँ और बना ली है। तो देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी से हमारी ये डिज़ाइन बन के आई है। और इस डिज़ाइन को आप सिर्फ बॉर्डर की तरह एक लाइन बनाना चाहते हैं तो ये 12 रो में मेरी ये डिज़ाइन बन गई। और इसी डिज़ाइन को अगर आप पूरे स्वेटर में बनाना चाहते हैं तो दो सिलाइयाँ जो मैंने ब्लू कलर की बना ली हैं, तो आप रो 1 से लेकर रो 14 तक की डिज़ाइन को जब आप पूरे बार बार स्वेटर में रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन पूरे स्वेटर में भी बन के आएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।